अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल इकबाल। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट शो, कौन बनेगा स्टार। इस शो में हमें उस स्टार की तलाश है जो ऑलराउंडर हो, जिसमें ये सब टैलेंट हो, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग, और जिसमें ये सब टैलेंट होगा वो बनेगा हमारा कंटेस्टेंट। दो ऑडिशंस लेंगे हम और 8 कंटेस्टेंट फाइनल करेंगे। अब देखना ये है कि 8 कंटेस्टेंट में से ये कौन बनेगा स्टार की ट्रॉफी किसके नसीब में। अभी हम मौजूद हैं कौन बनेगा स्टार के सेट पर और मैं आप लोगों को अपने जजेस का इंट्रो करवाने जा रही हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, कौन बनेगा स्टार प्रेजेंटेड बाय एमबी प्रोडक्शन। तो एमबी प्रोडक्शन के ऑनर हमारे साथ हैं मुजफ्फर भट्ट। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम आपके देखते हैं प्रोग्राम्स, आप फैशन शोज़ करते हैं बड़े बड़े और अवार्ड शोज़ करते हैं, तो कंपटीशन करने का आपके दिमाग में कैसा आया आइडिया? कंपटीशन का ऐसा सिलसिला है कि आजकल आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह और कराची में तो टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो हमारे माइंड में यही आया था, हमने डिस्कशन की थी बिलाल भाई और मैंने, कि यार यहाँ के टैलेंट्स को हम प्रमोट करें, तो इसलिए हमने यहाँ के टैलेंट्स को आज जो है वो मौका दिया है और मेट्रो चैनल्स पे जो है हम ये आज ऑडिशंस कर रहे हैं। ये तो और मजे के ऑडिशंस आपने लास्ट में भी देखे थे, जो हमारा लास्ट एपिसोड था, और अभी बहुत सारे ऑडिशंस बाकी हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे पाकिस्तान के टैलेंट्स के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी जज ज़ीनिया अजय की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आप लोग ज़ीनिया को देखते होंगे टीवी चैनल्स पर, अलग अलग ड्रामा सीरियल्स में, और मॉडल भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? वेल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे आज नए नए टैलेंट देखने को मिलेंगे, तो इसलिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और देखते चलेंगे। ज़बरदस्त। और इनका क्या इंट्रोडक्शन करवाऊँ मैं आपको? आप सभी जानते हैं ये हमारे होस्ट हैं, मेरे को होस्ट बिलाल इकबाल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लग बहुत अच्छी रही हैं। थैंक यू। और सेकंड थिंग ये है कि सबसे पहले मैं मेट्रो वन न्यूज़ चैनल का थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम यूथ को आगे ला सकें और वो अपना टैलेंट दिखा सकें। और सेकेंडली मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच कि आपकी थॉट थी कि हम एक शो करें और हम उसके साथ हैं। और सेकेंड चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि शेजी खान हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी। और हम अपनी जो मॉडल हैं, सुपर मॉडल, उनका हम थैंक्स कहेंगे कि आज वो हमारे साथ हैं और कंटेस्टेंट को जजमेंट करेंगी। और साथ साथ एक चीज़ मैं और आप लोग को बताता चाहूँ कि हमारा ये जो कंटेंट है ये बहुत यूनिक है। बिल्कुल। और सेकंडली ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसमें से ऑलरेडी हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार हैं, कुछ स्टार हम और सिलेक्ट करें और अपने पाकिस्तान को और रोशनी से भर दें। और लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या। बिल्कुल। तो अभी लोग क्यूरियस हो रहे होंगे ये सोच कर के बिलाल होस्ट हैं और जज की सीट पर हैं। तो ये है कि बिलाल एक बहुत अच्छे मॉडल हैं, उसके साथ साथ एक्टर भी हैं और एक बहुत ज़बरदस्त डांसर भी हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि आज आप यहाँ नहीं, आज आप वहाँ होंगे। बस ये आप लोग की मोहब्बत है, थैंक्स अगेन। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जज की जानिब और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शेजी खान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? गाइज, ये बहुत ही ज़बरदस्त कोरियोग्राफर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े अवार्ड शोज़ जो हैं वो कोरियोग्राफ किए हैं, उसके साथ मूवीज़ भी इन्होंने कोरियोग्राफ की हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आप आज हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं। तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके, और मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी टीम को कि ये चीज़ जो है उन्होंने स्टार्ट किया और पाकिस्तान के पूरे टैलेंट को जो है ये प्लेटफॉर्म मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, जगह नहीं मिलती उनको। तो बिलाल का थैंक यू, बिलाल बहुत अच्छे ग्रेट आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान है। मुजफ्फर भाई, आपने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया और इंशाल्लाह अल्लाह में कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
स्टार्ट करते हैं हमारे ऑडिशंस और बुलाते हैं पहले कंटेस्टेंट को। जिशान, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं ये बताइए। मैं बेसिकली कराची से ही हूँ, कराची में सुरजानी टाउन की। ठीक है, करते क्या हैं आप? मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल में। अच्छा, ग्रेट। स्पोर्ट टीचर और ये टोटली अलग फील्ड लाइक? जी, बचपन से ही शौक है। अच्छा, डांस का तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, उसके अलावा एक्टिंग का भी फिर डेवलप हुआ, सिंगिंग का भी हुआ। सही सही, चलें कूल। अभी हमें आप क्या दिखा रहे हैं? अभी पहले मैं आपको सिंगिंग करके सुना दूंगा, उसके बाद एक्ट करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद डांस। चले। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन। हम आपको कमेंट्स ओवरऑल देंगे, पहले आप अपनी पूरी परफॉर्मेंसेस कर लें, ठीक है? माइक के साथ ही एक्टिंग कर लूं? ऑब्वियसली। ओके जी, एक्ट पहले बता दूं? हाँ, सिचुएशन बता। सिचुएशन बता देता हूँ। मैं वकील हूँ और मैं जो हूँ वो मुलजिम खड़ा है उसका, जज साहब को बता रहा हूँ कि यानी कि ये कातिल है, इसके खिलाफ हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गया, ठीक है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कातिल है। तो इस तरह का यानी एक्ट है। चलें, स्टार्ट। जज साहब सामने है, ठीक है, यहाँ पे इमेजिन कर लें मुलजिम खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आप हैं। डन, चलें स्टार्ट करते हैं। योर ऑनर, इस जालिम के खिलाफ अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिला था हमें, लेकिन अब एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लग गई है जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि इसी शख्स ने उन 6 मासूम कम उम्री लड़कियों का कत्ल किया है। आपकी इजाजत हो तो वो सीसीटीवी फुटेज आपको पेश की जाए। थैंक यू योर ऑनर। जिशान, अच्छा जिशान, अगर हम आपकी पहले तो हम सिंगिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको शैजी भाई बताएंगे, ठीक है, फिर हम आपकी एक्टिंग, डांसिंग और जो हमारा चौथा राउंड है मॉडलिंग, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है? जी सर। आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो सिंगिंग में जिस तरह ऑडिशन में आके आपको जो सिंगिंग करनी चाहिए थी मुझे लगा वो नहीं किया, और डांस में भी मुझे ऐसा ही लगा। बाकी एक्टिंग के बारे में बिलाल भाई आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस तरह से। सही। अच्छा जिशान, हम अगर एक्टिंग की बात करें ना, तो जो तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी थी, राइट, दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि एक्टर का क्या होता है कि आप जब कुछ भी लाइन बोले ना, स्टार्ट और एंड क्लियर होना चाहिए, राइट, वो तुम्हारा अच्छा था। एक्टिंग वॉज गुड। एक्टिंग में ऑब्वियसली एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, जितना आप करते रहेंगे, आप नए हैं, जितना आप करते रहेंगे उतना आप ग्रूम होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डांस की, ठीक है। अच्छा, डांस का क्या था कि स्टार्ट वॉज ग्रेट, स्टार्ट बहुत अच्छा था। बीच में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जो स्टेप होते हैं ना, एग्जांपल अगर हम हाथ ये लेके जा रहे हैं, राइट, अगर हमें वापस लेकर आना है तो ये हमारा माइंड फिक्स है ना, मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये लगा कि आपके स्टेप का जो था ना एक पार्ट क्लियर था, वापस अब लाना है या नहीं लाना ये क्लियर नहीं था, राइट, ठीक है, एक चीज़ ये। अच्छा, दूसरा ये है कि मॉडलिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा जो राउंड है आपको पता है, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग और कॉमेडी, राइट। अच्छा, कॉमेडी तो आपकी एक्टिंग में आ गई है, वो तो हो गई है, सिंगिंग भी हो गई। अच्छा, मॉडलिंग का मुझे थोड़ा सा ये लगा कि एज अ मॉडल अगर आप मीडिया में काम करते हैं तो आपको जो फोटोग्राफर्स होते हैं या जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो आपको उस बेस पे हायर करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, राइट, ग्रूम थोड़ा सा आपको होना है मॉडलिंग के हवाले से, बट यू कैन डू दैट, राइट, आप सब कुछ कर सकते हैं माशाल्लाह से, यू ऑल और हाँ यू ऑल ऑलराउंडर, ठीक है। तो अभी जो थोड़ी सी बेहतर चीज़ करनी है, जैसे कि सर ने कहा कि आप सिंगिंग बेहतर करें, एक्टिंग माशाल्लाह से अच्छी है, इसको और अच्छा करें, ग्रूमिंग पे थोड़ा सा अपना, मेरी तरफ से जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ग्रूमिंग है, ठीक है। एक्टिंग वॉज गुड, डांस वॉज गुड। आपको पहले ही चीज़ ऐसी करनी चाहिए कि वो मतलब बिल्कुल आपकी देखते हैं क्या होता है, दूसरे जजेस भी अपने कमेंट्स देते हैं। जिशान, मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, सिंगिंग में आपको और मेहनत की ज़रूरत है थोड़ी, और गला बहुत काफ़ी दिन से ख़राब है। हाँ, वो लग रहा था, कि आप थोड़े से उसको बेटर करने जी, नहीं वो प्रैक्टिस से हो जाता है जी।
वाले जैसे बिलाल ने कहा आपको डांसिंग स्टार्ट में आपका अच्छा था, वो बीच में आके थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और जो मॉडलिंग का जो है, मैं भी यही कहूँगी कि मॉडलिंग में आपको बहुत ग्रूमिंग की ज़रूरत है फिलहाल तो। ओवरऑल मुझे आपकी एक्टिंग अच्छी लगी। आज तुम थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे, लेकिन लास्ट परफॉर्मेंस तुमने अच्छी की थी, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे तुम्हें लग रहा था कि तबीयत खराब की वजह से ही थोड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तुम्हें एक और मौका दिया जाए तो तुम थोड़ा सा काफी स्ट्रॉन्ग थी। बिल्कुल, इसकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी लास्ट टाइम, लेकिन आज थोड़ा सा लेकिन मौका देना चाहिए मुझे लगता है। तो मेरी तरफ से तो फिर आपके लिए यस ही है। तरफ से यस है, इनकी तरफ से नो है, मेरी तरफ से इस ऑडिशन के लिए नो है। बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये भी हम इसलिए कह रहे हैं आपको कि आप जो हमारे नेक्स्ट ऑडिशन में आए अपने आप को और ग्रूम करके आए। टैलेंट है आप में तीनों, आधा जो मेरा इस साइड वाला दूसरा हिस्सा है ना। थैंक यू सो मच। यस, चैलेंज गुड हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि दो यस हैं दो नो हैं, तो दैट्स मीन कि आप हमारे नेक्स्ट ऑडिशन में आ रहे हैं। बुलाते हैं अब अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, तो आ जाइए जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम, पहले माइक लो बेटा। माय नेम इज अभिषेक। ओके, कितने साल की हैं? 10। 10 इयर्स की हैं, गुड। क्या करती हैं आप, अभी क्या करेंगी आप? एक्टिंग। एक्टिंग करेंगी, चलें स्टार्ट। एक्टिंग सिचुएशन तो बताओ, क्या सिचुएशन है? अभी तो मैं एक्टिंग करूंगी जिसमें माइक लेंगे आगे की। एक्टिंग करूंगी जिसमें मैं एक पिंजरे में बंद हूंगी अपने घर के। ओके, और बात करूंगी मैं तोते से। ओके चलें, जी जी स्टार्ट। तोते देखो, आज मैं तुम्हारी तरह इस घर के पिंजरे में कैद हूँ। हाँ, ये घर है तो मेरा, मगर क्या करे, हूँ मैं घर के पिंजरे में कैद। दादा सही कहते थे, क्या तोते को पकड़ के मैं जुर्म कर रही हूँ, और आज मैं खुद इस घर के पिंजरे में कैद हूँ। अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ तोते मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। एक आइडिया, मैं किसी को फ़ोन करके किसी को बुला लेती हूँ। किसको फ़ोन करूँ मगर? अच्छा कोई बात नहीं आंटी, आपके घर में कोई और है जिसको आप घर भेज सकती हैं? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज़। ओके, ओनली एक्टिंग करेंगे आप? आपको हमारे शो का फॉर्मेट पता है, उसमें सिंगिंग भी है डांसिंग भी है। नहीं, चलें गुड। अच्छा, अगर हम आपकी सिर्फ एक्टिंग की बात करें तो सब में अच्छी बात ये कि आप कहीं हम्बल नहीं हुई, राइट? हम्बल नहीं हुई, लाइन्स आपको याद थी प्रॉपर तरीके से, गुड है। लेकिन ये कि हम आपको कहेंगे कि आप हमारे नेक्स्ट ऑडिशन में आएँ और सिंगिंग डांसिंग वो प्रिपेयर करके आएँ, देन आप सेकेंड ऑडिशन में आ सकती हैं हमारे, हम चांस दे सकते हैं। सिंगिंग नहीं कर सकती? कभी नहीं की? नहीं, अभी सिंगिंग तो नहीं किया है, बट गाना तो किया है, बट सिंगिंग नहीं। माइक ऊपर करिए। नहीं, सिंगिंग नहीं किया है, बस गाने पे एक्टिंग की है। अच्छा, ठीक, कर लोगी? शायद कर सकती हूं। चलें कोई बात नहीं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप नेक्स्ट ऑडिशन में आएं, सिंगिंग डांसिंग ये तीनों चीजें रेडी करके आएं, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, मेरी जगह माइक। नाम बताइए। अमीर अली सर। कहाँ से हैं आप? कराची से। कराची से, क्या करते हैं आप? सर स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं जी सर। ठीक है, अभी क्या दिखा रहे हैं आप हमें? सर सिंगिंग, एक्टिंग और डांस। चलिए गुड लक, स्टार्ट। मिल के मिलना छोड़ देना, दिल न दे ये इजाजत, दिल लगा के छोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत। मिलके मिलना छोड़ देना, दिल न दे ये इजाजत, दिल लगाना छोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत। अब है डूबे पहुँच किनारे, ए दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे, ए दिल तू बता। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा, दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूँ। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल। ओके थैंक यू। नेक्स्ट एक्टिंग जी सर। एक्टिंग दोस्त को बुलाना चाहूँगा। श्योर श्योर, प्लीज बुलाइए। शाहिद। शाहिद
मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद मुझे शाहिद ब्रिटी एक्स के नाम से पुकारते हैं। अच्छा माशाल्लाह शाहिद आपके बाल इतने अच्छे हैं। माशाल्लाह लग इतने अच्छे रहे आप, क्या करते हैं आप? देखिए जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था तो मुझे जब पठान को देखे मेरे दोस्त तो मुझे भी शौक चढ़ा। अच्छा तो इसके साथ साथ मैं भी गुड, तो वो शौक अभी तक चढ़ा हुआ है, उतरा नहीं। नहीं जब पूरा होगा तो इंशाल्लाह। तो आपको ऑडिशन देना चाहिए, यू डू समथिंग। तो सर ये अभी भाई दे रहे तो इसके बाद चले, गुड लक, चले शुरू कीजिए। आज भाई को सपोर्ट करने आए। आयत यार तुम कहाँ चली गई थी, कहाँ कहाँ मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। प्लीज़ यार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। प्लीज़ यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलिए गुड, थैंक यू। उसकी अदाएं तो देखें। अच्छा मैं भी वही देख रही थी। नहीं हो सकता। सिंगिंग का शायद सर बताएंगे और मॉडलिंग में आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग करो। अच्छा एक्टिंग भी अच्छी थी, एक्टिंग में भी मोर प्रैक्टिस करो। ओके थैंक यू। मैं तो जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्या आपकी सारी चीजों में से सिंगिंग मुझे थोड़ी अच्छी लगी जी सर। बाकी आपको उसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है सिंगिंग। बिल्कुल सिंगिंग जी सर। बिल्कुल जी सर। और बाकी सब चीज़ों में भी मेहनत करनी पड़ती है जी सर। तो आप स्ट्रगल करें इंशाल्लाह, जो आप करना चाहते हैं फिर आप कर पाएंगे जी सर इंशाल्लाह। इसमें तीन चीज़ें हम चेक कर रहे हैं इस ऑडिशन में, डांस एक्टिंग और सिंगिंग। जो दो भी अच्छी कर जाएगा और एक चीज़ में वीक रहेगा तो उसके लिए यस का मैं ये दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी तो दूसरे पहले कमेंट्स दे दें फिर उसके बाद। जैसा शहदी सर और लाल भाई ने कहा मैं भी उनकी बात पे मुतफिक हूँ, थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छा है सिंगिंग में, थोड़ा सा इनका वो था, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेहनत करके आओ। ओके सर इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से तो वेल सिंगिंग पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन एक्टिंग में और डांसिंग में आपको और मेहनत की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरी तरफ से नो है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आइए पॉइंट पर। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। बिलाल भाई हमारे शो का फॉर्मेट की एक्टिंग भी करनी है सिंगिंग भी करनी है। नहीं करेंगे करो सिंगिंग। चलें सिंगिंग पे आए। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां बाकी नहीं, तो खुदा से मांग लूं। थैंक यू थैंक यू। चल एक्टिंग। अच्छा चलें इनके लिए शहज भाई और मुजफ्फर भाई इनके लिए थोड़ा सा इजी ये कर देते हैं, हम नेक्स्ट ऑडिशन में इनको बुलाते हैं। दो चीज़ें तो इन्होंने की है ना, एक्टिंग को रेडी करके आए कोई भी सिचुएशन के साथ। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसके बेस पे आपको बिलाल भाई। ठीक है अभी हम तकरीबन सबकी तरफ से मैं दिखा देता हूँ, मुझे पता है। जबरदस्त थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम तो सब ठीक हैं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है समीर बोले या सिमरन बोले? दोनों सर जो दिल करे। अच्छा चले अली क्या करेंगे पहले आप? सर पहले सिंगिंग से स्टार्ट। चलो क्यों कुछ इस तरह तेरी पल के मेरी पलकों से मिला ले आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें, मेरी पलकों पे सजा दे तू हर घड़ी हर वक्त मेरे साथ रहा है। हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है, जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा पता दे। कुछ इस तरह। थैंक यू अली। थैंक यू। अच्छा अली मैंने सुना है कि आप
एक दूसरी आवाज में भी गा सकते हैं क्या पॉसिबल है आप सुना सकते हैं इस आवाज में हमें? सर आपने सुना है जी जी लता जी को गाता हूँ अच्छा माशाल्लाह प्लीज एक्टिंग सर एक्टिंग में मैंने एक सिचुएशन बनाई है ओके ओके मैंने रिकॉर्ड करी है सिचुएशन को इस तरीके की अच्छा ओके मैं अपने हमजाद से बात कर रहा हूँ मेरे हमजाद की और मेरी वाइफ की जो वॉइस ओवर रिकॉर्डेड है अच्छा बाकी मैं लाइव कर रहा हूँ आप हेलो हेलो मिशेल क्या हुआ इतनी जल्दी हार मान गया तो और क्या करूं कब तक यूं ही रोते रहोगे रोने और अल्लाह की जात के सामने गिड़गिड़ाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं मेरी मानो और बदलो अपने हालात कैसे कैसे बदलो बंदूक उठाओ और छीना झपटी शुरू कर दो तुम पागल हो गए हो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता तो तुम और कुछ कर भी नहीं सकते या तो ये करना होगा या जिंदगी भर रोते रहना होगा मैं हराम का एक लुकमा भी अपनी बीवी और अपनी बच्ची को नहीं खिला सकता समझ लो इस बात को अच्छा अली पहले तो सर की तरफ चलते हैं सिंगिंग और डांस का फिर हम कमेंट्स करते हैं जी यार सारे टैलेंट है तुम्हारे अंदर माशाल्लाह से जहाँ तक जो फाइनल बात है वो सारी चीज़ें मौजूद है सिंगिंग भी एक्टिंग भी जो टैलेंट है तुम्हारे पास उसके लिए मैं बोलूँगा कि यार चांस देना चाहिए तुम्हें क्या बात है अच्छा अली हम एक्टिंग की अगर बात करें तो योर कंटेंट वाज वेरी स्ट्रांग वेरी वेरी स्ट्रांग क्योंकि इस तरह के जो हम कंटेंट देखते हैं ना बड़े यूनिक कंटेंट है जिसमें आप वाइफ का भी जिक्र कर रहे हैं फैमिली का भी जिक्र कर रहे हैं लाइन बहुत स्ट्रांग थी तो कंटेंट वाज वेरी गुड मेरी तरफ से तो आपके लिए है यस वाल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी यही कहूँगी कि जितने भी कॉन्टेस्टेंट आए मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आपके एक्ट में आया आपका एक्टिंग बहुत अच्छा था डांसिंग में आप बहुत मज़े से कर रहे थे लेकिन आपने ज़्यादा आज फोकस एक्टिंग पे किया है तो वो थोड़ा सा रह गया सिंगिंग भी आपकी बहुत अच्छी थी तो मुझे लगता है कि आप बहुत आगे जाएंगे और मेरी तरह से तो यस मज़ेदार परफॉर्मेंस थी तुम्हारी और जो तुमने मेल फीमेल डाला तुमने बड़ा मज़ा आया क्या बात है सर कांग्रेचुलेशंस तो जब हम सबकी तरफ से यस है तो फिर हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे कंटेस्टेंट आप सबको मैं बताता चलूं जो कंटेस्टेंट हमारे फाइनल होंगे 8 कंटेस्टेंट होंगे हमारे जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया था तो उसमें से हमारे पहले कंटेस्टेंट अली फाइनल हो चुके हैं हाँ और मैं चाहूँगा कि हम इनको अपने शो की तरफ से एक चीज़ दें कि जो आप लेके जाएँ और हमारी तरफ से उसकी याद नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज आ जाइए आ जाइए अस्सलाम वालेकुम नाम बताइए अहमद क्या करते हैं आप जॉब करता अच्छा ठीक है क्या अभी दिखा रहे हैं हमें आप सिंगिंग चलें स्टार्ट कीजिए मैं कदे में सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं लेकिन मैं कदे में सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी लें तेरी नजरों का जो जाम पी लें उम्र भर वो संभलता नहीं है तेरी नजरों का जो जाम पी लें उम्र भर वो संभलता नहीं है ये अदा ये नजाकत बरासिल
मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन आ ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा एक्टिंग। सिचुएशन ये है कि जब मैं एक जगह पर भटक गया, ठीक है, और मेरी बीवी मेरे ख्वाब में आएगी और मुझे ये बताने आई है कि मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। ओके। और मैं वो रिएक्शन बताऊंगा। ओके ओके। कीप इट अप। आयशा तुम, कितने दिनों से तुम्हें याद कर रहा था और शुक्र है आज अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। ये कहाँ कहाँ हो तुम, कितनी खूबसूरत जगह है। आयशा बैठो, आयशा बैठो, अपना हाथ मुझे दो। तुम्हें एक एक पल याद किए, कोई ऐसा पल नहीं जो तुम्हें याद किए बगैर गुजरा। क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? नहीं 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 आयशा, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे, चलो इस जगह से चलो चलो चलो। आज क्यों छुड़ा आयशा? आयशा मैं नहीं रह पाऊंगा। आयशा आयशा वैसे आयशा है कोई? बेसिकली इस नाम को जज करने के लिए मैंने तकरीबन 5-6 मिनट से गैस लिया कि मेरे नाम मेरे मुंह से सुनो कि मेरे नाम मेरे मुंह से कौन सा नाम अच्छा लगे। अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। बहुत सारे नाम थे जैसे फातिमा हो गया, ज़ैनब हो गया, ये सही नहीं लग रहे थे मेरे मुंह से, इस वजह से मैंने फिर आयशा का नाम। चले इस बार छुरी मुझ पर रख के चलाई जा रही है। यार तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है, सिंगिंग के बारे में तो हमारे सर बैठे हैं वो आपको बताएंगे, बाकी एक्ट तुम्हारा अच्छा था और मैं चाहूँगा कि तुम्हें एक मौका दिया जाए। तो मेरी तरफ से तो यस है। थैंक यू। वेल मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, आपकी डांसिंग में आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे नहीं हो पाया इतना। शायद। जी शायद। और सिंगिंग भी आपका बहुत अच्छा था, तो मेरी तरफ से तो यस है। यार मेरे बात कर हाँ मैं बता देता हूँ। सिंगिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू। क्वालिटी है आवाज़ में आपकी बहुत अच्छी। थैंक यू। और एक्टिंग भी, एक्टिंग में थोड़ा वो ये जो शाहरुख वाला जो होता है वो रखते हो आप हमेशा, है ना, तो उसमें भी चेंज किया करो। डांस में मुझे लगा कि ये वाला डांस जो है ना ऑडिशन के लिए नहीं था, इसमें पावरफुल चीज़ें करनी होती हैं। जब फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ करो सिलेक्शन के लिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखानी चाहिए। तो टैलेंट तो तीनों आपके अंदर मौजूद है, आप कर सकते हो। आप रिदम में हो, ताल पे हो, बिल्कुल आपके अंदर लचक है पूरी, लेवा वाली हो, कर रहे हो, हर चीज़ है। लेकिन अगर थोड़ी सी स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे तो वो इम्प्रूवमेंट आएगी, अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल भाई कमेंट्स दे, फिर मैं उसके बाद अपना कार्ड देखूंगा। शाजी भाई बहुत तेज हैं। अच्छा है यार। देखो सिंगिंग की आपने, उसके आपको कमेंट्स मिल गए, बहुत अच्छे। एक्टिंग स्टार्ट वॉज लिटिल डाउन, ठीक है, जब उसका एंड किया ना, एंड बहुत अच्छा किया। एंड में जो रोने में पावर थी आवाज़ के अंदर वो, और फील थी सब में, बड़ी बात है कि जो हम सुन रहे थे हमें अंदर से लग रहा था कि हाँ आप रो रहे हैं, ठीक है ना। तो बट क्या है कि हम जजमेंट तो पूरी करेंगे ना, डांसिंग मॉडलिंग एक्टिंग सिंगिंग, ठीक है। तो मेरी बस से आई एम रियली सॉरी, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट ऑडिशन में आएँ और बहुत अच्छे से तैयार होकर आएँ, क्योंकि अगर एग्जाम्पल अगर मैं आपको भी सिलेक्ट कर भी लूँगा ना डांस पे और एक्टिंग पे, तो फिर जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं ना उनके लिए नाइंसाफी हो जाए, ठीक है। तो मैं ये मेरे लिए सॉरी, और मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट ऑडिशंस में आएँ और बहुत अच्छा सा करें। तो अभी के लिए मेरी तरफ से भी दोनों नो।
तो तुम्हारे पास एक चांस है नेक्स्ट ऑडिशंस का, तो उसमें तुम आओ और थोड़ा सा ट्रेन होके आओ, ठीक है? थैंक यू। बट ये है कि आप कर सकते हैं, सब चीज़ें करें और नेक्स्ट ऑडिशन में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू। सर नाम बताइए अपना। मेरा प्रिंस नदी में प्यार से पप्पू कहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं आपको आज भाई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मेरे बचपन से मेरे दिल में थी। चलिए चलिए स्टार्ट करें, सिचुएशन बताइए। आपकी लाइन्स हैं, बोलेंगे इसमें आप तो फिर आप माइक लीजिए ना, ऐसे आपको आवाज़ आएगी इंशाल्लाह। अच्छा चल माइक ओके। थैंक यू लाइवन। जी थैंक यू। अच्छा देखिए ये तो हो गया, बट ये तो म्यूजिक के तौर पे आपने यूज किया है ना, हमें गाना सुनना है। उदासियां जो न लाते तोर क्या करते, न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया तो रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही है, मौत से पहले ही मर गए हम। चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक पल। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा और एक आइटम और आपको आइटम। अच्छा एक्टिंग वैसे भी आपकी रहती है? वाह अमेजिंग, जबरदस्त। ठीक है, सिंगिंग भी आपकी अच्छी थी, और सबसे यूनिक चीज़ जो आपने की है जो कंगी के साथ आपने बजाया, वो उसमें पक्के सुर लग रहे थे, ये बड़ी मज़े की चीज़ थी। तो लेकिन इस शो का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमने सबने कमेंट्स करने हैं, तो मैं बाकी दूसरे जजेस से भी बोलूँगा कि वो कमेंट्स करें फिर हम मार्क करें। सही जी, चीज़ें मज़ेदार थी आपकी, लेकिन जैसा सर ने कहा कि हमारा फॉर्मेट जो है वो ये फॉर्मेट नहीं है, बाकी जो आपने कंगी से जो मज़ा आया है बांसुरी बहुत यूनिक चीज़ थी, तो मज़ा आया, लेकिन आई एम सॉरी क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी जो आपकी डांस में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सिंगिंग आपकी सही थी, और जो आपने कंगी से किया वो सबको बहुत मज़ा आया, मुझे तो लगा आपको ये मैजिक कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये शो है इसके हिसाब से आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरी तरह से नो सॉरी। ओके सर देखिए, अगर हम आपकी सिंगिंग की बात करते हैं ना, तो आई एम नॉट अ सिंगर बट हम सुनते तो हैं ना, पता है हमें सिंगिंग में आवाज़ सर अच्छी थी इनकी, और आपके सुर बड़े पक्के थे जो कि आपको प्रैक्टिस की नीड है, और ऑब्वियसली अगर आप कोई टीचर हायर करते हैं क्लासेस लेते हैं तो यू कैन सिंग, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, उससे बहुत अच्छे हैं आप, बिकॉज आपके सुर पक्के हैं, और आई थिंक सर सिंगिंग में यही होता है राइट? तो वो तो ठीक है, अच्छा है, यू नीड प्रैक्टिस फॉर सिंगिंग। अब हम एक्टिंग पे आ जाते हैं, एक्टिंग का क्या है कि आपने एक्टिंग कुछ की नहीं, आपने अपने दो यूनिक टैलेंट दिखाए, एक हाथ का एक कंगी का, वो बहुत अच्छा था, कंगी हमारा फॉर्मेंट है नहीं म्यूज़िक, तो बट वो आपने ऐसे अटैम्प्ट किया, इट वाज गुड, बहुत अच्छा था।
एक्टिंग में मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपने हाथ का किया, अगर इसके साथ आप कुछ डायलॉग डिलीवरी कुछ कर देते ना, तो हमारे लिए वही एक्टिंग हो जाती। बट मैं पर्सनली मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नेक्स्ट ऑडिशन में आएँ, बिकॉज यू डिज़र्व इट। नेक्स्ट ऑडिशन में आप आएँ और अपने डांस पे प्रैक्टिस करें। डांस और सिंगिंग की अगर क्लास लेनी है आपने तो जमजम आप एकेडमी है, बहुत ज़बरदस्त, तो आप जा सकते हैं, शायद सर से क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस लेके आप हमारे ऑडिशन में आए, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडिशन में आए, तो मेरी तरफ से यस, थैंक यू। थैंक यू जी सर, मेरी तरफ से पहले वाले की तरह मतलब यस भी है, नो भी है, क्योंकि आप कलाकार हैं, कलाकार बड़ा एक सादा सा बना बना होता है, आपके अंदर ताल भी है, सुर भी है, आप अच्छे कलाकार हैं, लेकिन और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इसमें अभी देखें अगर आपको बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट आएगा तो हकदार रह नहीं जाए, इसलिए ये मुझे दोनों कार्डियो करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होती है, लेकिन ये तीनों चीज़ें रेडी करके आए, ठीक। थैंक यू फॉर गुड लक। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज सर माइक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, नाम बताइए। सर मेरा नाम वकार खालिद है। ओके, बट एवरीबडी कॉल मी विकी, इट्स माय निकनेम। ओके गुड, क्या करते हैं आप? मैं वैसे डांसर हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। ग्रेट, सिंगिंग मैंने रिसेंटली सीखी है। ओके, क्योंकि मैं वैसे करता नहीं था, लेकिन मैं बचपन से डांस करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या परफॉर्म कर रहे हैं? अभी मैं तीनों स्किल्स करूँगा। गुड है, सिंगिंग, एक्ट एंड डांस। गुड लक। ओके, तो सिंगिंग से स्टार्ट कर, सिंगिंग से स्टार्ट। सजाद अली का एक सॉन्ग है, सोनी लगती हो सर, क्या बात है उनकी तो बिल्कुल। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोलो दिल जानी मंगना जरूरे, हाल न जाने मेरा दुनिया नी माणी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूरे, तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगनी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, हाय सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। एक्टिंग की फॉर्म ये है कि एक बेटा है, एक माँ है। ओके, और बेटा एक गर्लफ्रेंड से कॉल पे बात कर रहा है, ठीक है, और पीछे उसके माँ खड़ी होती है घर में, सुन लेती है घर के अंदर, घर के, ठीक है सही, ठीक है, तो फिर आपस में बहस हो जाती है। ओके ठीक है, स्टार्ट करने हैं। श्योर। हेलो, ओके ईशा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है, चलो, ओके ओके सी यू। अरे मॉम, आप किससे बात कर रहे थे? नहीं, वो फ्रेंड था, ऑफिस का फ्रेंड था। झूठ नहीं बोलो मुझसे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऑफिस का फ्रेंड था। तुमने फिर उसी लड़की को कॉल की है ना? यही दिन देखना बाकी रह गया था बस। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझसे कुछ इस तरह से बात करेगा। थैंक यू। जो गाना आपने चॉइस किया वो इतने खतरनाक सिंगर है ना पाकिस्तान के, कि हम सभी उनके फैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं उनके लिए पहले हम क्लैपिंग कर लें। थैंक यू जी, कि बहुत बड़ा नाम है और उनका गाना गाना आसान काम नहीं है। तुम्हें कुछ और चॉइस करना चाहिए था गाना, कि जो आसानी से तुम अपने जॉनर में गा सकते जी। अच्छा, बात आती है जहाँ पे एक्टिंग की, एक्टिंग के बारे में आप बताएंगे ज़्यादा बेहतर। तो मुझे तो एक्टिंग में वो जो समझ आना चाहिए था कुछ समझ नहीं आया, और डांस में आपके अंदर पैशन है, उसके लिए आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप आ सर, थैंक यू। और जो टैलेंट है पाकिस्तान का, इसीलिए मैं कराची में, लाहौर में क्लासेस करवा रहा हूँ, जो न्यू टैलेंट है उनको मैं अपने साथ टीम का हिस्सा बनाऊँ, अवार्ड शोज होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उसमें मेरे साथ रहेंगे आप। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। के लिए जो था वो मुझे, मेरी तरफ से सॉरी, शो में कोई हकदार रह ना जाए तो मेरी तरफ से तो ये है, उसमें मुझे कमी लगी, सॉरी। एक्टिंग बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी ना जी। तो वो क्या हो रहा था कि हमारा इंटरेस्ट टूट रहा था उसके अंदर ना। शॉर्ट रखें अपना जो भी सिचुएशन है ना, शॉर्ट रखें और क्लियर रखें, ठीक है। ठीक। तो मेरी तरफ से यार आई एम रियली सॉरी ना है, बट मैं ये चाहूँगा कि आप नेक्स्ट में ऑडिशंस में आएँ और प्रैक्टिस करके आएँ, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। थैंक यू। वेल, मैं सिंगिंग पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मुझे आपका एक्टिंग बहुत पसंद आया। आपने जो सिचुएशन चूज़ किया था और आपकी डांसिंग में आप बहुत अच्छा डांस करते हो, तो मुझे लगता है कि आप डिजर्व करते हो, मेरी तरफ से तो यस है। थैंक यू मैम। मुझे भी आपकी जो है वो कुछ चीज़ अच्छी लगी एक्टिंग में, और बाकी जैसे डांस का सर ने कहा
और सिंगिंग का थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं चाहूँगा कि मज़ीद आपको चांस दिया जाए, आप पे मेहनत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। चलें ये गुड हो गया, बस इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट में ऑडिशन में मुलाकात होगी, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज। ये कुछ करेगा। ओह माय गॉड सर, इधर आ जाइए और माइक ले लीजिएगा। So what do you want to show me, like singing first, right? Yep, rapping okay. And dancing. Dancing. So okay. First, rapping and dancing. What? Do you know that our situation, like we need a star, like who can do acting, singing, dancing and modeling? Do you know that? Right. Yeah, Rishidas Sale Vakti Samachar Mere Piche Yaar Peet Piche Kareva. Yeah, Rishidas Sale Vakti Samachar Mere Piche Yaar Peet Piche Kareva. झूठा ही जहान देखे झूठे इंसान देखे झूठ के सामने चोरा बदनाम दे माँ की कसम आज बोलूँगा मैं सच्चा है सच के सामने जान मेरी जान बाहर में जाए मुझे किसी की परवाह नहीं चाह मुझे वो भी मिला नहीं सिला दिया तूने मेरे इस प्यार का खो दिया गला तूने मेरे एतबार का। थैंक यू। ये बातें चले ग्रेट। पहले देख तो थैंक यू। अच्छा चैली सर से लेते हैं, आप रैप से लेते हैं जी। नो यस नो यस, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरा डांस से ताल्लुक है, तो तुम्हारा डांस बहुत ही आला था, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ की तुमने माशाल्लाह। सिंगिंग में भी रैप चल रहा है आजकल, तो चलेगा सिंगिंग ऐसा भी बाबा चलेगा दौड़ेगा यार मेरी तरफ से जितने आप मज़ेदार स्वीट से बंदे हो ना। अच्छा कम टू द पॉइंट कि अगर हम डांस की बात करते हैं तो डांस आपने डिफरेंट गाने को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करके दिखाया, स्पेशली जो खुशबू जिस तरीके से आपने दिखाई, राइट, सुबह की किरण दिखाई, दैट वॉज अमेजिंग यार। क्योंकि हम ढूंढते ये हैं डांस में कि आप उसको सिचुएशन क्लियर करें, तो दैट वॉज अमेजिंग। ठीक है, एक्टिंग में आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया बिकॉज क्योंकि सारा एक्ट आपने, एक तो नीचे बैठे थे, ठीक है फाइन, बट देखें हम कुछ भी करते हैं एक्ट एज एन एक्टर, तो ऑब्वियसली हम किसी को दिखा रहे हैं या कैमरा है ना, तो उसके लिए आई कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। मॉडलिंग की अगर बात करें तो योर हेयर स्टाइल गुड, सब चीज़ें अच्छी हैं, वो ठीक है। मुझे थोड़ा सा एक्टिंग में यार समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मेरी तरफ से रवि सॉरी यार, थैंक यू। ओके, मैं तो ये कहूँगी कि आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपने हम सबको इतना हंसाया तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप एक्टिंग बहुत अच्छी है, आपकी एक्टिंग ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम था, तो इतना हर कोई तो अपना 100% नहीं देता, आगे जाके आप और मेहनत करेंगे तो और अच्छे करेंगे। आपका एक्टिंग में भी आप अच्छे थे, मुझे आपकी सिंगिंग भी बस थोड़ी सी वो थी अच्छी लगी, पर मैं बस यही कहूँगी मेरी तरफ से तो यस है, आप डिजर्व करते हो। मुझे भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, जो आपने जो डांस किया उसमें आपकी बड़ी एक्टिंग भी थी, बड़ी मूवमेंट जो थी बड़ी मज़ेदार थी, तो मैं समझता हूँ आपको सेलेक्ट करना चाहिए और मौका देना चाहिए, तो मेरी तरफ से यस। हैट्रिक हो गया, हैट्रिक का। अब बिलाल भाई रह गए, इनको मज़ेदार बना लेंगे जब आप अच्छा करके आओगे। नहीं मैं देखे, मैं ये चाहूँगा कि आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये कि जब जिस चीज़ के लिए शाजी सर कह दें तो हमारा तो बनता ही नहीं है उनके सामने कहना, बट अब शो का फॉर्मेट है ना, हमें थोड़ी सी चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट ऑडिशन में आप आएँ एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी करके, और डांसिंग और सिंगिंग के लिए तो सर ने कह दिया, उसके लिए तो मैं पल पास, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ऑडिशन। थैंक यू। टैलेंट पूरा है बाबा। थैंक यू। तैयारी करके आइएगा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। आ जाइए सर। सर माइक ले लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? माइक ऊपर कीजिए, नाम बताइए। ब्रूस, बी आर यू सी ई, ब्रूस। ठीक है, क्या करते हैं आप? सॉरी, जो आप कहेंगे करने के लिए आया हूँ। नहीं हम तो यहाँ कहेंगे ना, वैसे आप क्या करते हैं? वैसे मैं मतलब अपना डिज़ाइनर हूँ, मतलब अपना प्रिंटिंग मीडिया में, प्रिंट मीडिया में होता हूँ। अच्छा, ये मेरा काम है। ठीक है, और इसके अलावा मेडिकल फील्ड। चलिए गुड है, तो सिंगिंग से स्टार्ट करते हैं फिर। सिंगिंग से, ठीक है, गुड लक। जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप नहाता हो, जब सूरज धूप न लाता हो, जब सूरज धूप न लाता हो, और शाम ने बसती
घेरी हो एक बार कहो तुम मेरी हो एक बार कहो तुम मेरी हो एक्टिंग हाँ तुम कोई खुदा नहीं तुम कोई खुदा नहीं जो हमसे हमारे जीने का हक भी छीन लो क्या कभी तुमने ये सोचा है कि ये लोग हम जैसे लोग जो जगह बजगह जाते हैं और अपने इंटरव्यूज देते हैं जब आप लोगों के रद्द किए जाने से कभी आप लोगों ने सोचा कि ये बाप जब अपना बेरोजगारी वाला मुंह अपने झोंपड़े में लेके जाएगा तो इसके बच्चे इसे देखकर क्या सोचेंगे मुझे पता है कि मेरे रद्द कर देने से आपके मयार में आपके बैंक अकाउंट्स में कोई कमी नहीं आएगी लेकिन मेरे बच्चों की आंख में नमी जरूर आएगी कि हमारा बाप एक दफा फिर रिजेक्ट हो गया है। थैंक यू यार आपके जो एक्टिंग थी वो मुझे अच्छी लगी आपका जो एक एटीट्यूड था एक्टिंग में वो मुझे बेस्ट लगा लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो कंटेंट है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे आप कंटेंट में उतर पाओगे तो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तो मेरी तरफ से तो नो है आगे जजेस देखते हैं। आपकी डांस तो आपको खुद बताया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपकी पर्सनैलिटी भी उस टाइप की नहीं है डांसर टाइप का बिल्कुल आपकी एक्टिंग में दम था मुझे बहुत मज़ा आया जो सिचुएशन आपने चूज़ किया और सिंगिंग में भी आपको अच्छा था सही था आप और मेहनत करेंगे तो फिर आगे जा सकते हैं और मुझे अच्छा लगा आप डिज़र्व करते हैं मेरी तरफ से यस है। टैलेंट है आपके अंदर होनहार है आप ठीक है लेकिन मुझे भी यही लगता है कि शो में बहुत टैलेंटेड लोग और भी आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं फैसलाबाद से और मुल्तान से पता नहीं कहाँ कहाँ से तो उस उनका हक रह ना जाए तो मेरी तरफ से भी पहली चीज़ तो आपके कॉन्फिडेंट के लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब इनकी लेवल आपका बहुत अच्छा था क्योंकि जो कॉन्फिडेंट है आपके अंदर वो हर किसी के लिए नहीं होता इट्स वेरी इजी कि कोई कह दे अच्छा बुरा किया हुआ है बट यहाँ आके परफॉर्म करना यही बहुत बड़ी बात होती है हम आपके इसी हौसले की सबसे पहले तो दाद देते हैं। अच्छा मैं ये चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आप माशाल्लाह से आपके अंदर बड़ा पैशन है इन चीज़ों को लेके ना तो ये पर्सनल मेरी सजेस्टमेंट है कि अगर आप इसमें और प्रैक्टिस करें राइट तो हमारे आप सेकंड ऑडिशन में आएं क्योंकि पैशन के पे क्योंकि डिलीवरी बहुत स्ट्रांग है आपकी वॉइस ओवर बहुत अच्छी है आपकी ठीक है तो मेरी तरफ से यस है आप आएं नेक्स्ट ऑडिशन में आएं प्रैक्टिस करके आएं देन इंशाल्लाह अल्लाह मालिका ठीक है थैंक यू वो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन ना मैसेजेस पे ठीक है थैंक यू ओके तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। वालेकुम सलाम कैसी हैं आप मुझे आपका फेस किसी की तरह लग रहा है किसकी तरह लग रहा है चले मैं सोचता हूँ किसी की तरह बताइए क्या करती हैं आप पढ़ती हैं कितने साल की हैं 13 की है ठीक है तो सिंगिंग से स्टार्ट करें चलें गुड लक I can see morning light. जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम सिचुएशन बताएं आपको अच्छा आपके लिए सिचुएशन हम ये रखते हैं कि एग्जांपल ये आपकी सिस्टर है ठीक है ये आपकी सिस्टर है और इन्होंने आपकी बर्थडे पे प्रॉमिस किया था कि आपको सेल फ़ोन देंगी और कल आपकी बर्थडे गुजर चुकी है इन्होंने अभी तक सेल फ़ोन नहीं दिया तो आपसे किस तरह से इनसे सेल फ़ोन निकालना वो भी आईफोन 13 प्रो मैक्स आपने कहा था कि कल आप मेरा आईफोन दे देंगी
तो मैं कोई भागी थोड़ी ना जा रही हूँ, यही इसी घर में हूँ, मिल जाएगा तुम्हें आईफोन, सब्र रखा करो। आपने कहा था कि आप बर्थडे गिफ्ट देंगे, मतलब अभी तक मुझे मेरा आईफोन पता है, मैं काम में मसरूफ थी, मैं फ्री होकर काम से ले आऊंगी फिर दे दूंगी। मुझे अभी चाहिए। अभी कहाँ से लाऊं? अभी ही चाहिए। मैं मारूंगी। मैं डर गई। अच्छा था वैसे, मैं मारूंगी, मैं डर गई। गुड, चले अच्छा जी, माशाल्लाह जितनी आप क्यूट है उसी तरह से स्वीट सी आपने सिंगिंग की है, एक्टिंग भी अच्छी थी आपकी, और डांस में मुझे लगता है थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब चीज़ों में प्रैक्टिस करनी चाहिए फिर जाके सही होंगी। तो मैं मुझे लगता है चांस देना चाहिए ताकि अगले आप ऑडिशन में बेहतर करके आओ, ठीक है? यस। अच्छा डांस मज़े का था, अच्छा था, ठीक है। और गाना शाजी भाई क्या कहते हैं? गाना इसने अच्छा गाया, लेकिन मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, डांस भी अच्छा था, गाना भी अच्छा था, एक्टिंग में मुझे थोड़ा सा लगा कि और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें और फिर नेक्स्ट ऑडिशन में है। तो मेरे लिए, मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि नेक्स्ट ऑडिशन में इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ आप आओ और मज़ीद एक्टिंग करें, ठीक है? Well, मैं तो कहूँगी कि कितनी छोटी सी हैं आप और इतनी टैलेंटेड हैं यार, बहुत बड़ी बात है, इतनी कॉन्फिडेंट है आपके अंदर, आपका डांस, आपकी एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद आई, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑडिशन था तो हो जाता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत पसंद आया मेरी तरफ से। यस, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी, मुझे ज़्यादा आपका डांस अच्छा लगा, और मेहनत की ज़रूरत है, अभी तो बहुत छोटी हो आप, मेहनत करो, तो अभी के लिए मेरी तरफ से तो ना है। वैसे मैंने किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, दैट्स गुड। हाँ बिल्कुल, कम टू द पॉइंट, कि हम यही चाह रहे हैं, क्योंकि यू कैन डू दैट राइट, सिंगिंग भी अच्छी है, डांसिंग भी, बट वही बात है कि ऑडिशन के लिहाज से ना थोड़ी सी स्ट्रांग चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, मेरा ना करने का मतलब ये कि जो आपने सिचुएशन अभी तो मैंने एकदम से आपको दी है ना, और आपने उसको अटेम्प्ट किया, दैट वाज ग्रेट, ठीक है, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे नेक्स्ट ऑडिशन में आएँ। उसका रीज़न क्या है कि तीनों चीज़ों में परफेक्ट होके आएंगी ना, तो बाकी जो कंटेस्टेंट होंगे ना उनके साथ नाइंसाफी है, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑडिशन में आप अच्छी स्ट्रांग तीनों चीजों की प्रैक्टिस करके आए, देन फिर इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है, गुड लक फॉर दैट। जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज। नाम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बताइए, माइक ऊपर कीजिए। पारस जॉन। ठीक, क्या करते हैं आप सर? अभी वैसे ऑडिशन के लिए जी, प्रोफेशन क्या आपका? प्रोफेशनली मैं एक्चुअली टेलीमार्केटिंग करता हूं। ग्रेट, सही, पिछले कोई 10-12 साल से। चले गुड, तो सिंगिंग से स्टार्ट करें। सिंगिंग से ही स्टार्ट, गुड लक, स्टार्ट। नुसरत फतेह अली साहब। नागन वांगू डंग दिया राता, पतझड़ लग दिया ने बरसाता। नागन वांगू डंग दिया राता, पतझड़ लग दिया ने बरसाता। हंजुआ हार पिरोवण अखियां, लोकी हस दे रोवण अखियां। गम आवे ते नहीं परवा, गम खार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। आपके
देखिए पहली बात तो ये कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि डांसिंग मॉडलिंग एक्टिंग सिंगिंग, तो हमें तो उसको फॉलो करना पड़ेगा. एंड इफ आई एम टॉक अबाउट योर परफॉर्मेंस, आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी बोलने में ना, लाइक वॉइस ओवर अगर हम करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी. एंड वॉज गुड आपका और सिंगिंग का सर बताएंगे. सिंगिंग में आपने दूसरे निभाया भी है जहाँ तक निप सक है, लेकिन कोई खास आप तो आपको पता है फिर उनका पीछे ही आते होता है वो गाना ये जो आपने चॉइस किया है. तो बाकी एक्टिंग में बिलाल भाई बेहतर जानते हैं, दूसरे लोग कमेंट्स करेंगे. सिंगिंग में कुछ बेहतर था और डांस तो आप साफ ही मुकर गए हैं. ये तो करना पड़ेगा बॉस, यहाँ पर तो फॉर्मेट ये है क्योंकि इतने लोग टैलेंटेड बाहर जमा है, सब ने करना है आके कुछ ना कुछ. तो मेरी दुआ है आपके साथ के सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, कोई चीज मुश्किल नहीं. बट क्योंकि एक्टिंग भी मैं मेरा चले फिर इसके लिए मेरा ये है कि नेक्स्ट ऑडिशन के लिए आप अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो उसके लिए फिर 50-50 यस और नो दोनों मेरी तरफ से. ठीक है, सियासी बयान. हाँ अच्छा, मेरी तरफ से तो ऑब्वियसली सॉरी ना है क्योंकि कॉन्टेंट मैंने देखा नहीं ना, तो विदाउट कॉन्टेंट आई कांट सेलेक्ट यू. ठीक है, सॉरी जी. वेल एक्चुअली मैं तो ये कहूँगी कि आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन आपको थोड़ी सी और ग्रूमिंग की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि आपको एक अगली बार आप जब आएंगे ऑडिशन में आप और प्रेपर होके आएंगे तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो. अभी के लिए तो सॉरी बट अभी के लिए मेरे लिए नो है. बिल्कुल, जैसे बाकियों ने कहा तो आप में टैलेंट है माशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे जो है ना शो में हमारे कॉन्टेंट पर आप फिट होते नहीं हैं. तो और प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. तो थैंक यू सो मच. बट हम सब चाहते हैं कि एक दफ़ा हम सब आपके लिए तालियां बजाइए. बिल्कुल, थैंक यू.